एक्सरसाइज 14 एग्जांपल नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी वेयर एबी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर बीसी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर सीडी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर डीए इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड एबी पैरेलल टू सीडी। मींस हमको करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल फाइंड ड्रॉ करना है और उसका एरिया फाइंड करना है। तो लेट अस वी स्टार्ट हियर। यहां पे मैं बना रहा हूं एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। यहाँ पे कोई भी बना सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैं लेबलिंग कर रहा हूँ ए, इट्स ए बी, सॉरी यहाँ पे ए बी सी डी मीन्स ए बी एंड सी डी। यहाँ पे ए बी, तो ये हमारा ए बी सी डी। नाउ अब क्या है, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 9 है, ये टोटल 12 है। ओके, हमको करना क्या है कि ऐसा हमको ड्रॉ करना है ट्राइंगल कि इसके पैरेलल हो। ओके, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जो इसका पैरेलल हो। तो मैं यहाँ से एक बना रहा हूँ, सी बी है, बी सी है ना, 10 है। तो मैं एक ऐसा एक यहाँ पे बना दिया लाइन, जो मैं इसको नाम दे रहा हूँ, चलो इसको नाम दे देता हूँ M। ओके, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये 9 है, ये सी बी की तरह है हमारा, ये 10 है। और मैंने लाइन ड्रॉ किया कि एग्जैक्टली सी बी बी सी से पैरेलल हो, और पैरेलल हो तो पैरेलल होगा तो एग्जैक्टली ये भी कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ओके, और दूसरा हमने क्यों ऐसा बनाया, इसको पैरेलल बनाएंगे तो इसका जितना भी मेजरमेंट है ए बी का, उतना ही मेजरमेंट सी एम का मिलेगा। तो ये जो 9 है उतना ही हमको 9 मिलेगा। अगर फुल 12 है और इतना 9 मिला तो इतना क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। अब आप बोल रहे हो, फिर से एक बार समझा देते हैं। चलो ए बी सी डी, ओके, मैंने ए बी सी डी लिख दिया, सबका मेजरमेंट लिख दिया था। फिर मैंने क्या बनाया, एक लाइन बनाया। क्यों बनाया लाइन, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके पैरेलल एक लाइन बनाने चाहता था और मैंने पैरेलल लाइन बना दी। पैरेलल लाइन बनाने से होगा क्या, ए बी का एंड सी एम का मेजरमेंट सेम होगा, और सेम होगा इसलिए स्पेसिफिकली ऐसे लाइन बनाई हुई है। ओके, तो ये सब मेजरमेंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बात कहते हूँ, सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ओके, अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हम बात कर लेते हैं। AD कितना है, AD 11 है, तो ये मेजरमेंट 3 है, ये 10 है और ये 11 है, तो ये ट्राइंगल के एरिया मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल ADM, ओके, इसका एरिया फाइंड करना हो तो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए कितना है 3 प्लस 10 प्लस 11 बाय 2 मीन्स 24, तो मीन्स टोटल कितना हुआ, 12 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये सेमी पेरीमीटर हमको 12 मिला, तो ADM का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो क्या होगा 12 माइनस 3, 12 माइनस 10, 12 माइनस 11। ओके, अब क्या होगा 12 इंटू 12 माइनस 3 9, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 11 1, क्या होगा अभी 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 9 का, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ, 9 का क्या होगा 3 इंटू 3 होगा, और 2 का क्या होगा, 2 का 2 ही रहेगा। ओके, अब 2 टाइम होगा, उसको हम बाहर निकाल देंगे। 2 टाइम कौन से हैं, ये 2 टाइम है तो 2 बाहर निकल गया, इंटू ये 2 टाइम है तो बाहर निकल गया, क्या पड़ा रहा 3 और 2 पड़ा रहा, तो 3 2 जा 6,
और 2 3 6 रूट 6। तो हमको ये जो ट्रायंगल है ए बी एम, इसका एरिया कितना मिला, 6√6 हमको मिला। अब हम क्या 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 करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे हमको करना क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये जो क्वाड्रिलेटरल, उसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये ट्रायंगल का तो मिल गया, अब हमको इसका ट्रायंगल फाइंड, इसका ये जो है हमारा पैरेललोग्राम, इतना पोर्शन पैरेललोग्राम मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये है, ये साइज 9 है, ये भी 9 है, ये 10 है और ये भी 10, तो ये हमारा पैरेललोग्राम ही होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको फाइंड करना हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे एक एल्टीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल्टीट्यूड। तो मैं यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ, मीन्स इट मीन्स दैट एल्टीट्यूड मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ से ये जो ये लाइन है और ये लाइन है, उस लाइन के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैंने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ओके, तो ये ए है, यहाँ पे कोई भी नाम देना हो दे सकते हो, एम एन एन दे देता हूँ, चलो ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल का एरिया मिला है उसकी हेल्प से, मीन्स ये जो एरिया मिला उसकी हेल्प से हम ये एल्टीट्यूड फाइंड कर देंगे। तो आप कैसे करेंगे देख लेते हैं, चलो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीएम इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, यहाँ पे हाफ लिख रहा हूँ, आधा लिख रहा हूँ। ओके, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएम कितना है, 6√6 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ये ट्रायंगल के अंदर बेस एम डी है, एम डी कितना था, ये 3 था। एल्टीट्यूड मीन्स ये एल्टीट्यूड हमको जो फाइंड करना था वो, तो एल्टीट्यूड हमने फाइंड नहीं किया हुआ है, तो एल्टीट्यूड क्या है, ए एन है। ओके, तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 6√6 इंटू 2/3 इज इक्वल टू ए एन, 3 2 6 2 2 4√6 इज इक्वल टू ए एन। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड जो ए एन है 4√6 मिला। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैं इसका एक थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया, फिर मैंने एक पैरेलल लाइन बनाया। क्यों बनाया पैरेलल लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम चाहिए था इसलिए। ओके, फिर बना तो दिया, उसके बाद हमको क्या मिला, तो हमको एक ट्रायंगल मिला, और वो ट्रायंगल क्या था, ए डी एम। तो मैंने ए डी एम का एरिया फाइंड किया, 6√6 मिला। अब ये पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो एक एल्टीट्यूड होना जरूरी है, तो हमारे पास एल्टीट्यूड नहीं था, तो हमने क्या किया, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ओके, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल तो था, उसका एरिया हमारे पास है, तो हमको हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड फॉर्मूला अप्लाई करके हमने क्या किया, ये एल्टीट्यूड का एरिया भी हमने फाइंड, ये एल्टीट्यूड का साइज हमने फाइंड कर लिया। अब क्या होगा, हमको मालूम है ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस कितना है, बेस है हमारा 9 है और एल्टीट्यूड कितना है हमारा 10 है। ओके, तो कितना हो गया, सॉरी 10 नहीं है, काफ़ी ये रहा हमारा 4√6 है, 4√6 है। ओके, तो कितना हो जाएगा, 36√6 कितना हो जाएगा, 36√6 मीन्स, इट मीन्स दैट इसका एरिया कितना मिला, 36√6 और ये ट्रायंगल का एरिया कितना मिला था हमको, 6√6। तो अब इसका हम एरिया फाइंड कर देंगे, फुल जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था उसका, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना, एक तो ट्रायंगल ADM एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ABCM इसका एरिया। ओके, तो कितना है, तो देखो इसका मिला 36√6
और ट्राइंगल के एरिया मिला 6√6, तो कितना हो गया 36 + 6 मीन्स 42√6। तो मीन्स हमको जो क्वाड्रिलेटरल है उसका आंसर मिला 42√6। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करिए, और अगर ये मेथड थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है तो आप अपने फ्रेंड्स को अलग अलग तरह से जो एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहते हैं ये चैप्टर के, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।